हेलो फ्रेंड, सत्य में जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास का जो क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, स्पेशल हम स्टार्ट किए थे किस चीज़ के लिए, जुलाई सीटेट का स्टार्ट किए थे। किसका स्टार्ट किए थे, तो जुलाई सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका सीरीज हम चला रहे थे। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या लिया है। तो आज हम आवास पर बात करेंगे। आवास कहने का मतलब घर जहाँ व्यक्ति क्या करते, निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अपना हेडिंग है भारतीय क्षेत्रों में आवासीय व्यवस्था, मतलब भारत के जो क्षेत्र है इसमें बहुत तरह के आवास पाए जाएंगे। सबका घर अलग अलग तरह से बनेगा और वो सबका घर का जो महत्व होता है, जो इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक खास होता है जिस पर हम बात करेंगे। वहाँ से सीटेट हर साल एग्जाम्स पे क्वेश्चन आता है, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए समझते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है, मिट्टी के घर है। किसका घर है, मिट्टी के घर। तो मिट्टी के घर का जो जहाँ से क्वेश्चन आता है वो देखिए समझिए। कहता है मिट्टी के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। या आप गर्मी को अंडरलाइन करेंगे, एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। मिट्टी के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, मतलब जहाँ पे रहना क्या होता है, बड़ा असहनीय होता है और बहुत सारे तकलीफें होती हैं। क्या होती है, तो मिट्टी की घर की दीवारें काफ़ी मोटी एवं चौड़ी होती है जिससे सूर्य की उसमें प्रवेश ना कर पाए। अब ये मिट्टी के घर कहाँ पाए जाएंगे, तो जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी पड़ेगी वहाँ मिट्टी के घर लोग इसलिए बनाते हैं ताकि क्या होता है, बाहरी जो सूर्य के प्रकाश की जो उष्मा है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है मिट्टी में, ठीक है। तो इसलिए वो हो गया। अब मिट्टी के घर की दीवारें काफ़ी मोटी एवं चौड़ी होती है। अब क्यों मोटी एवं चौड़ी होती है, क्योंकि क्या है, जिससे सूर्य की उष्मा प्रवेश न कर पाए। अब वहाँ जो घर बने होते हैं उनके घर के दीवार जो होते हैं, क्या है, दीवारें काफ़ी मोटी मोटी और काफ़ी चौड़ी चौड़ी दिखेंगे ताकि सूर्य के जो उष्मा है वो प्रवेश नहीं कर पाए। चलिए अब कहता है दीवार को मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर मिट्टी, गोबर एवं भूसा, क्या क्या है, मिट्टी, गोबर एवं भूसा का लेप लगाया जाता है, लेपन किया जाता है, जाता था या जाता है, ताकि दीवारें टूटे नहीं। क्या है, ताकि दीवारें टूटे नहीं। अब क्या है, जो वहाँ की जो दीवारें काफ़ी मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें क्या क्या, मिट्टी, गोबर और भूसा, क्या मिट्टी, गोबर और भूसा का लेप किया जाता है, लेप लगाया जाता है ताकि दीवार मजबूत रहे, टूटे नहीं। अब कहता है मिट्टी के घरों की छत को भी ढालू युक्त रखा जाता है, रखा जाता है ताकि बारिश का पानी रुकने ना पाए, ताकि बारिश का पानी जमे नहीं और बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, आसानी से वहाँ से ढालयुक्त इसलिए रखा जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के घर का जो छत होगा वो ढालयुक्त होता है ताकि बारिश का पानी वहाँ रुके नहीं, जम नहीं पाए, ठीक है, अगर जम जाएगा तो ख़राब हो जाएगा इसलिए। अब कहता है इसके छतों को घास फूसा या इसके छत जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या होता है, घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता था। मिट्टी के घर का जो छत होता था वो किससे, जैसे घास फूसा या लकड़ी का बनाया जाता था उस पर। अब कहता है मिट्टी के घरों के फर्श को, फर्श कहने का मतलब निचला हिस्सा, फर्श को क्या किया जाता था, गोबर से लिपा जाता था। किससे लिपा जाता था, गोबर से, ताकि घरों के कीड़े मकोड़े ना आए, ताकि घरों में कीड़े मकोड़े ना आए। अब मिट्टी का जो मतलब मिट्टी के घर का जो फर्श होता था उसको गोबर से लिपा जाता था। किससे लिपा जाता था, गोबर से। गोबर से इसलिए लिपा जाता था ताकि घर के अंदर कीड़े मकोड़े ना आए, इसलिए। अब कहता है मिट्टी के घर अधिकांश था कहाँ कहाँ, तो राजस्थान है, उत्तर भारत, उत्तरी भारत जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलेंगे। मिट्टी के घर कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले राजस्थान और उत्तरी भारत में मिट्टी के घर अधिक देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम अब एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मिट्टी के घर, तो मिट्टी के घर क्या, जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। मिट्टी का जो घर होता है, ठीक है, उसका दीवार जो होता है काफ़ी मोटी एवं चौड़ी होती है, ठीक है, ताकि सूर्य की उष्मा जो होता है वो प्रवेश नहीं कर पाए। उसको समय समय पर क्या करते हैं, घर के दीवार को मजबूत रखने के लिए, ठीक है, गोबर भूसा एवं क्या, गोबर भूसा मिट्टी के लेप लगाया जाता है, मिट्टी एवं गोबर भूसा का इस सब का लेप लगाया जाता है ताकि दीवार मजबूत रहे, टूटे नहीं। अब मिट्टी के घरों का छत जो होता है
ढालयुक्त रखा जाता है। कैसे ढालयुक्त रखा जाता है? ताकि उसमें पानी टिक ना पाए और पानी आसानी से निकल जाए। इसका छत जो होता है वो घास फूस एवं लकड़ी के बनाया जाता है, ठीक है। अब है मिट्टी के घर को फर्श जो होता है, मिट्टी के घर का जो फर्श होता है उसे गोबर से लेपा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ना आ पाए। अब मिट्टी के घर अधिकांशतः कहाँ? राजस्थान एवं उत्तरी भारत में देखा जाता है। कहाँ कहाँ पे? राजस्थान एवं उत्तरी भारत में देखा जाता है। तो अपना क्या था, मिट्टी के घर को हम देखे थे, ठीक है। अब बात करते हैं बीवर पक्षी के बारे में। किसके बारे में? बीवर पक्षी के बारे में। तो देखिएगा बीवर पक्षी क्या है, तो इसे जुलाहे चिड़िया भी कहा जाता है। बीवर पक्षी को ही जुलाहे चिड़िया भी कहा जाता है। अब कहता है यह पक्षी अपना घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है। यह पक्षी बीवर या जुलाहे पक्षी जो होते हैं इसका घोंसला लालटेन के आकार जैसा हो। किसके जैसा? लालटेन के आकार जैसा होगा। अब कहता है घोंसला नर पक्षी बनाता है। घोंसला आपसे सीजेट पूछेगा जब बीवर पक्षी में घोंसला जो कौन बनाता है, नर बनाता है कि मादा? तो घोंसला नर पक्षी बनाता है। और जैसे जितने भी मनुष्य है घर बनाने का काम करते हैं और मादा क्या करती रहती है, इससे आप समझ सकते हैं। अब कहता है सभी नर बीवर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा? नर बीवर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें जिसमें मादा बीवर पक्षी पसंद करती है उसी में वह क्या देती है? अंडे देती है। यानी कि क्या करेगा, जितने भी नर बीवर पक्षी होंगे वो क्या करेंगे, इतना मेहनत से क्या करेंगे, लालटेन के आकार जैसा बनाएंगे घोंसला, ठीक है। और क्या करेगी नर जो मादा पक्षी है वो घूम घूम के सबको चेक करती है, जिसमें उसको आरामदायक फील होता है, जो पसंद आता है उसमें क्या करती है, अपना वो अंडा दे देती है, ठीक है। तो ये आपका बीवर या जुलाहे पक्षी के बारे में था, जो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे बीवर पक्षी को ही जुलाहे चिड़िया भी कहते हैं, बीवर पक्षी को क्या कहते हैं? जुलाहे चिड़िया भी कहते हैं। यह क्या होती है, इसकी जो घोंसला होती है, घोंसला नर पक्षी बनाते ने काम करती है। घोंसला कौन बनाती है? नर पक्षी बनाने काम करती है। और नर पक्षी जो घोंसला बनाती है, ठीक है, तो जिसमें उसे पसंद आता है मादा पक्षी को, उसमें वो रहने का काम करती है। और इसके घोंसला का आकार जो होता है वो लालटेन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है दोस्तों? लालटेन के आकार के जैसा। तो ये अपना बीवर पक्षी से क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।